हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, यही कोई 2-2.5 बजे का समय हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है, तो अभी मैं खाली बैठी हुई थी, फ्री हूँ, सारा काम लगभग मेरा हो ही गया है। तो मेरे कुछ कपड़े थे ऐसे जिनकी जो है सिलन टूट गई थी, तो मैंने कहा चलिए फ्री टाइम है तो अपने उन कपड़ों को ठीक कर लिया जाए। तो वही मैं बैठ के कपड़े जो है अपने ठीक कर रही थी, सिलाई लगा रही थी उसमें। तो मेरे कुछ ब्लाउज थे जो मेरे पहले से अब लूज़ हो गए थे, तो उनको मैंने ठीक कर लिया है। तो अभी ये मेरा एप्रन है जो जिसकी जो पॉकेट है वो उसकी सीलन खुल गई थी, तो उसको भी मैंने अभी ठीक कर लिया है। क्योंकि जब ये खुली हुई थी तो इसमें मैं अपना मोबाइल रखती हूँ, जिससे कि मुझे ये डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कहीं ये गिर जाए। तो मैंने कहा चलिए इसको भी अभी पहले सबसे पहले से ठीक कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूरे घर में अपने झाड़ू लगा ली है, तो ये बाहर का जो आंगन था वो बचा हुआ था, तो लगभग मेरी उसमें भी झाड़ू लग चुकी है। तो अभी सबसे पहले मैं झाड़ू लगा कर ये जो कूड़ा है इकट्ठा करके इसे उठा कर मैं पहले अपने डस्टबिन में डाल दूँगी इसे। और जब मेरा सारा कूड़ा डस्टबिन में डल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अपने घर में पोछा लगाने का काम करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरा कूड़ा देखिए उठ चुका है। कूड़ा फेंकने के बाद मैं अपने जो रसोई है और कमरा है उसमें पोछा लगाऊँगी। और पोछा लगाने के बाद मतलब साफ़ सफाई के काम के बाद फिर मेरा वही है, फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं अपना रसोई में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ठीक है, जब तक मैं अपनी साफ़ सफ़ाई करती हूँ तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखिए और बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है वो कैसा लगा। फ्रेंड्स, अभी मैं सबसे पहले अपनी किचन को साफ़ कर लूँगी। तो ऊपर की जो स्लिप है वो तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। जब मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तो स्लिप और चूल्हे का काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, और जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो मैं सुबह करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने किचन में पोछा लगा रही हूँ। तो किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मैं अपने रूम और जो बैठका है फिर मैं वहाँ पे पोछा लगाऊंगी। फिर उसके बाद जो है मेरा जो सफाई का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब तक मैं अपनी सफाई करती हूँ घर की, तब तक आप लोग मेरा ये वीडियो देखिए। तो अभी मैं धो रही हूँ अपनी आटा रखने वाली टंकी, क्योंकि जो मेरा आटा था वो ख़त्म हो गया था और अभी मैंने मेरा जो गेहूँ है वो पीस कर आ चुका है, तो मुझे उसे इसमें खाली करना था। अभी बोरी में रखा है गेहूँ पीस कर जो आया हुआ है आटा, मेरा बोरी में रखा हुआ है तो उसी को मुझे इसमें खाली करना था। तो मैंने पहले अपना जो बचा हुआ आटा था उसको निकाल लिया है अलग, और अब मैं इसे जा रही हूँ माँजने। तो सबसे पहले मैं इसको बिम से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ कर बढ़िया अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इसे माँज लूँगी, जो भी इसके अंदर गंदगी जमी हुई है उसे साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब काफ़ी दिन तक इसमें रखा रहता है तो जो आटा है वो भी उसमें जम जाता है, उसकी मैल जो होती है वो जम जाती है, धूल मिट्टी जो है बाहर से वो जम जाती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं पहले इसको अच्छे से माँज लूँगी, और माँजने के बाद इसे अच्छे से धोने के बाद पानी से इसको धूप में मैं सबसे पहले इसे सुखाऊँगी। तो धूप में सुखा लेने के बाद ही इसके अंदर मैं अपना जो आटा है वो रखूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको पलट कर धूप में कुछ देर के लिए रख दूँगी, और फिर जब इसका पानी जो है निचोड़ कर बाहर निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा, तो मैं इसको सीधी तरफ से रख दूँगी, जिससे कि जो इसकी जो धूप है, धूप जो है धूप में दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाए, और फिर मैं जो भी इसमें सामान रखूँ वो इसमें ख़राब ना हो। तो फ्रेंड, जब भी आप लोग अपना आटा वगैरह रखने का जो भी ड्रम है या टंकी है आप कभी साफ़ करें उसे,
तो आप भी इसे अच्छे से धोकर हम मांज कर धोकर इसे अच्छे से पहले धूप में सुखा लें। जब उसके बाद ही इसमें जो भी आप सामान रखना चाहें वो रखें। इससे ये होगा कि आपका जो सामान है काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बना रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो अभी मेरी टंकी जो है वो साफ़ हो चुकी है और इसे मैंने अभी धूप में सूखने के लिए रख दिया है। और उसके बाद इसके ढक्कन को भी मैं धोकर सूखने के लिए इसके साथ ही रख दूंगी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सूख जाए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है दोपहर का समय हो रहा है, सब लोगों ने लगभग जो है नहा धो लिया है, लगभग घर के और लोगों ने भी। मेरा भी रसोई का काम कंप्लीट हो गया है, जो भी खाना पानी बनना था वो बन गया था। तो मेरा कुछ कपड़ों का काम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पहले रसोई का इधर वाला काम हो जाए, तब मैं ये सारे काम करूँगी। तो कम्बल जो था वो काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलिए मशीन लगा देती हूँ, और मशीन रहेगी तो वो आराम से आसानी से धुल जाएगा। तो मशीन लगाने के बाद मैंने जो ये कम्बल था इसके अंदर डाल दिया था। तो कम्बल कम्बल के साथ मेरे को और भी चीज़ें थी, तो मैं कहा जब कम्बल डल ही रहा है तो जो चादरें वदरे हैं चलो मैं उसे भी डाल देती हूँ। तो अभी मैंने जो मशीन इसकी है ऑन कर दी है, और इसके साथ मैंने इसमें दो चादरें डाल दी हैं धुलने के लिए, क्योंकि इसमें जो मैंने सर्व था वो थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर दो चादरें भी डाल दी धोने के। लेकिन अब इस जगह पता है क्या हुआ कि अचानक मुझे याद आया कि यार आज तो थर्सडे है, मुझे कपड़े नहीं धोने थे क्योंकि मैं व्रत रखती हूँ इसका। लेकिन मैं अब डाल चुकी थी मशीन के अंदर, सर्फ भी डाल चुकी थी, पानी भी था, और कम्बल में पहले ही भिगो चुकी थी। तो फिर ठीक है, मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि चलो भूल हो गई। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, क्योंकि अचानक जो है मेरे हस्बैंड की जो है वो तबीयत जो है ख़राब हो गई है, तो अभी उनको ही हम दिखाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमें अचानक लखनऊ जाना पड़ रहा है। तो अभी जो है हम लोग अभी अभी नहीं पहुँचे, अभी लखनऊ हाईवे रोड पे पहुँचे हुए हैं। और तो अभी हो रहा है शाम के बज रहे होंगे, 4 बजे का करीब समय हो रहा है। ये अचानक ही ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग को अचानक लखनऊ जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, तो ये देखिए अभी हम आ गए हैं यहाँ लखनऊ हाईवे रोड पर आ चुके हैं। तो अभी करीब हम लोग को पहुँचने में लग जाएगा 2 घंटा, तो इमरजेंसी में लेकर जा रहे हैं, देखते हैं क्या बताते हैं वहाँ पर। फिलहाल तो अभी यही है कि कोरोना के चलते पहले तो पेशेंट ही नहीं देखते, ये है कि पहले वहाँ पे कोरोना की जांच कराओ, फिर उसके बाद ही पेशेंट देखे जाएंगे। लेकिन चलो देखते हैं फिर भी अभी क्या क्या है कंडीशन वहाँ की, क्या कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम ये ट्रामा सेंटर पहुँच गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अभी वही जो मैंने कहा था कोरोना की टेस्ट के बिना नहीं देखते डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा पहले आप कोरोना की जो जांच है हेलो वो जांच फ्रेंड्स, कराइए, तो फिर अभी उसके बाद हुआ जब है रात का समय, रिपोर्ट आएगी रात के तभी लगभग हम 1:30 बजे पेशेंट को जो डेढ़ भी बजे है हाँ 1:45 बजे ऑपरेट करेंगे। अभी हम लोग घर आ गए तो हैं। अभी हम घर तो वापस जा रहे आज के हैं। फिलहाल उन लोगों ने वही कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया है 2 लोगों का, एक पेशेंट एक अटेंडेंट का, और कुछ भी नहीं किया है। कहा है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी पेशेंट को जो भी ऑपरेट किया जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट है दिया जाएगा। तो फिर फिलहाल अभी हम वापस आ गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या करना है। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट क्या, नेक्स्ट डे हो गया अब तो 12 बजे के बाद। चलिए ठीक है, फिर भी बाय बाय।